हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी टेक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सीआरपीएफ पारामेडिकल के लिए बहुत सारे वैकेंसी निकले हैं। पूरे 2439 पोस्ट निकले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या और कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, यही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, इसमें लिखा विंडो एडवर्टीजमेंट वॉक इन इंटरव्यू इन सीआरपीएफ अपॉइंटमेंट ऑफ पारामेडिकल स्टाफ ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस फॉर्म। तो यही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, 13/13/2021 इसमें दिया हुआ है। 13/9/2021 से 15/9/2021 तक आपका पैरामेडिकल स्टाफ को फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, वही नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। तो नीचे नीचे की ओर जाते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ किसके लिए कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, ये सब डिटेल उतना ज़रूरी नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो देखते हैं हम किसके लिए कितने पोस्ट हैं। वैसे ज़रूरी हैं, लेकिन आपको ये सब ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये सब में। तो यहाँ पे देखिए, AR रैंक सिस्टर, उसके लिए एक वैकेंसी है। वहीं देखिए, नेस सूबेदार स्टाफ नर्स के लिए 52 वैकेंसी है। वही वारंट ऑफिसियर पारामेसिस्ट के लिए 26 है। वहीं राइफलमैन लैब असिस्टेंट्स के लिए 11 और राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए पूरे 46। और भी नीचे हैं, तब तक BSF के लिए देखते हैं। तो देखिए, BSF के लिए SI स्टाफ नर्स के लिए 49 है और वहीं SI लैब टेक के लिए पूरे 40 पोस्ट हैं। वहीं HC जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए 41 है। वहीं देखते हैं HC साइकोफेरोथोग्राफी और असिस्टेंट्स के लिए 44 है और कॉन्स्टेंट NA के लिए पूरे 151 पोस्ट हैं। वहीं देखते हैं सीआरपीएफ के लिए पूरे स्टाफ नर्स के लिए 231 वैकेंसी है और रेडियोग्राफी के लिए 17 और साइकोथेरेपिस्ट के लिए 100 और पारामेसिस्ट के लिए 123, डायटिशियन के लिए 1, ब्लड टेक के लिए 2। वहीं देखते हैं ITBT के लिए। तो ITBT के लिए पूरे स्टाफ नर्स के लिए 18, मेडिस के लिए 69 और पारामेसिस्ट के लिए 11। वहीं लैब टेक के लिए 1 और ANM के लिए 15, रेडियोग्राफर के लिए 1। वहीं देखिए, SSB के लिए पूरे एस रैंक SM सिस्टर IC के लिए वैकेंसी 1 है और यह है इंस्पेक्टर सिस्टर के लिए वो IC के लिए 3 और SI स्टाफ नर्स के लिए 49 और SI पारामिस्ट के लिए 1 और AST पारामिस्ट के लिए 19 नीचे है और SI रेडियोग्राफर के लिए है फिर आपका 1 पोस्ट। तो आगे नीचे देखते हैं फिर क्या है। तो वहीं देखिए, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए पूरे 46 और RFW फीमेल अटेंडेंट के लिए 4 और RFW आर्या के लिए 5 और RFW फीमेल सफाई के लिए 7। वहीं देखिए, BSF के लिए कॉन्स्टेंट NA के लिए पूरे 151 और इधर देखते हैं, ये था CRPF के लिए ब्लड बैंक टेस्ट के लिए 2 है, डाइटिशियन के लिए 1, लैब टेक्नीशियन के लिए 110, ECG के लिए 1 और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 5। वहीं इधर था SSB लास्ट में था। तो SSB के लिए पूरे देखिए, ASI पारामेसिस्ट के लिए 19, SI के लिए रेडियोग्राफर के लिए 1, ASI के लिए 9 और ASI लैब टेक के लिए 12। वहीं ASI OT के लिए पूरे 2 पोस्ट हैं। वहीं बीच में रह गया ये जो है, वहीं देखिए ITBT के लिए है, लैब टेक के लिए 1 और ANM के लिए 15, रेडियोग्राफर के लिए 1, SI कुछ लिए है, SI के लिए 2, SI EEG के लिए 1, SI और ऑप्थ टेक ये कुछ होगा। तो ये सारे पोस्ट हैं।
आप अभी पूरे 239 पोस्ट हैं शायद, इतने पोस्ट हैं। तो आप यदि एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं crpf.government.in से। ये लिंक से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।